मोमो खिला रहे हो? चलो पक्का खिला रहे हो? पैसे है क्या? पक्का फर्स्ट बारी खिला रही है भाई, आज कैसे खिला दे रहे हो मतलब। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। गाइज आज के ब्लॉग की शुरुआत अभी हम कर रहे हैं सुबह के 11 बजे से, और आज अभी हमें जाना है कॉलेज। सो गाइज हमारे साथ एक स्कैम हो गया यार, अभी मैंने अपने BMW में देखा तो थोड़ी देर पहले तो फ्यूल नहीं दिखा रहा था, अभी जस्ट देखा तो यार अभी तो इसमें है ही फ्यूल, तो अब सीधे चलते हैं कॉलेज की ओर। बाकी ये रहा गाइज हमारा पिथौरागढ़, अभी हम हैं पिथौरागढ़ के कलेक्ट्रेट में। सो गाइज ब्लॉग नहीं बनाने का कारण ये था क्योंकि यार आजकल मेरे साथ वाइसी भाई नहीं थे, तो मैं सिंगल कहीं घूमने के लिए जाता भी नहीं हूँ। आज फाइनली वाइसी भाई भी आ गए हैं, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आज ब्लॉग ही स्टार्ट किया जाए, और थोड़ा हमारा कॉलेज का काम भी है, हमें एक स्कॉलर से मिलता है, इंस्पायर करके एक स्कॉलर से मिलता है, तो उसी के लिए हमें फॉर्म सबमिट करने के लिए जाना है गाइज। बाकी यहाँ देख लो भाई विमल, बोलो जुबा कैसे रही है। ओ भाई पिथौरागढ़ में भी ये लगा दिया गाइज, अब तो चलो बड़े शहरों में तो मानते हैं लेकिन पिथौरागढ़ में भी ये लगा दिया, तो भाई ये तो थोड़ा बेकार बात है यार, है ना। बाकी गाइज सुबह के 11 बज गए और देख लो यार मार्केट में ना मतलब एकदम चहल पहल है। वैसे भाई इतने दिनों से कहाँ थे यार तुम? घर गए थे? क्यों, कुछ खास काम था क्या? बुब्बू की शादी थी। बुब्बू की शादी थी? ओ भाई ये तो थोड़ा अजीब टाइप का नहीं लग रहा है, बुब्बू की शादी? भाई बुढ़ापे में कौन शादी करते है? बुड्ढे नहीं है, रिश्ते में बुब्बू लगते हैं। अच्छा 6-7 साल बड़े हैं गाइस, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है यार ये क्या बोल रहे हैं। कौन आ रखी है? सो गाइस अभी हमें एक फ्रेंड मिलना आ रखी है, इनका नाम है स्नेहा। और इनका भी कुछ काम है कॉलेज में। क्या काम है तुम्हारा कॉलेज में? हेलो हेलो कैसे हो? सभी बोल रहे हैं, थोड़ा पीछे जाके देखो ना। बड़ा चेहरा आ गया नहीं, वो ना तो उसको कर देना प्रिंट आउट निकाल दे। पैसे कौन देगा? आगे निकालूंगा। पैसे भी दे दो, 100 रुपए दे दो, 200 रुपए दे दो, भी निकल जाएगा प्रिंट आउट, 70 रुपए हम भी तो खाएंगे। ये देखो 30 रुपए लेके आए करेक्ट। नहीं 500 का है लेकिन 500 रुपए दे दो ना फिर। हमें भी तो कुछ कमीशन मिलना चाहिए, क्यों हमारा काम करने का? ये ज्यादा ना गाइस, हमें भी तो कुछ कमीशन मिलना चाहिए ना यार, एक तो यार ये काम करवा रहे हैं हमसे। 80,000 मिल रहे ना उसमें कुछ रहो। 80,000 नहीं मिलने भाई, 60,000 मिलने, ठीक है। अब मैं कुछ नहीं कर रही हूं, मैं शादी कर लो सबसे बढ़िया है ना। हां यार हमें डांस करना, शादी कर लो बड़े करके डांस करने के लिए आ जाएंगे हम। नहीं आप कर लो, अगर इतनी हो रही है तो मैं आ जाऊंगी आपकी शादी में डांस करने। शादी तो करनी है लेकिन पैसे ही नहीं है ना, ये तो कर लेते हैं। क्यों वैसी वही तो पैसे की तो दिक्कत है, आपके घर वालों के पास बहुत पैसे है। कहाँ पैसे है भाई, पैसे नहीं होंगे तो अभी हम जा रहे हैं कॉलेज में काम करने के लिए, तभी तो पैसे आएंगे। क्यों फाइनली हमें हमारी फ्रेंड मिल चुकी थी जिनका नाम है स्नेहा। सो यार उनका कुछ काम था कॉलेज में, वाईसी भाई को फ़ोन किया था उन्होंने आगे, तो वाईसी भाई ने उनसे ले लिया। और ये पापा की परी है रॉन्ग साइड आ रहे हैं भाई, अभी एक्सीडेंट हो जाता हमारा। चलो निकलते हैं यार फटाफट, है ना कॉलेज की ओर। बाकी अभी कॉलेज में काम वाम है, देखते हैं कि आज होता है नहीं होता है। अगर हमारा काम होगा ना आज तो पक्का पार्टी कराएंगे आज, पार्टी तेरी तरफ से होगी लेकिन, ठीक है। अरे वो 100 रुपये की तो अभी प्रिंट आउट निकालना है वो। सो फाइनली हम पहुंच चुके गाइज कॉलेज लाइन में, लेकिन यार हमारे साथ एक स्कैम हो चुका है, हम फीस रसीद घर ही भूल गए हैं, विदाउट फीस रसीद से तो काम होने से रहा। तो यार फटाफट चलते हैं रूम पे और फीस रसीद लेते हैं, फिर आएंगे हम काम करने के लिए अपना कॉलेज दोबारा। तो गाइज अभी हमें जाना है दोबारा घर, क्योंकि यार मैं फीस रसीद भूल गया हूँ। और देख मैं भी देख लेता मेरी फीस आएगी नहीं। वैसी भाई भी अपना चेक कर रहे हैं फीस रसीद कि ये लाए नहीं लाए करके, है वैसी भाई तो लेके आए गाइस। यहाँ की रोड के बारे में तो क्या ही बोलूँ, बड़ा ही गजब है। तो गाइस आप देख ही सकते हो फाइनली वैसी भाई लेके आ चुके हैं पर्स, इसी में हमारा फीस रसीद। भाई साहब सुबह के 11 बजे और भीड़ देख लो ना, सभी लोग आ गए हैं यहाँ कॉलेज की ओर। थर्ड ईयर का निकालना होगा ना क्या? मैं रोल नंबर बता दूंगा ना यहाँ से, सर चले जाएंगे तो फिर काम कैसे होगा भाई। सो गाइस अभी वाईसी भाई यहाँ पे कर रहे हैं हमारा काम, अभी हुआ नहीं है, देख ही सकते हो यार भीड़ लगी यहाँ पे। सो गाइस फाइनली हमारा काम तो हो चुका है साइबर में, अब निकलते हैं फटाफट कॉलेज की ओर। तो सबसे पहले यार गाड़ी को करते हैं ऑन, अब निकलते हैं फटाफट। तो भैया जी वो सामने रहा हमारा कॉलेज, अब तो नज़दीकी है ना।
तो फटाफट काम करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। बाकी यार भाई कॉलेज में ना क्या ही भीड़ है, नेक्स्ट लेवल में एंकर। और यहाँ पे यार पार्क करने के लिए भी जगह ही तो नहीं है, यहीं पे लगा देता हूँ। क्यों तो गाइस फाइनली हमने फॉर्म तो भर लिया है, अब निकलते हैं सर के पास और उनको जो फॉर्म है वो सबमिट करते हैं, है ना, फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस फाइनली हमारा काम तो हो चुका है, अब निकलते हैं यहाँ से और आपको मिलते सीधे मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के साथ। ये भी है भाई, कौन है तू? कौन है? सो गाइस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और अभी मैं कर रहा हूँ ट्रिपलिंग, क्योंकि अभी हमारे साथ आ रखे स्नेहा है ना। बाकी भाई साहब क्या ही भगा रहे हैं यार ये। और गाइस यहाँ पे यार शादी की गाड़ी भी जा रही है आगे, तो इनके साथ शादी चलते हैं। और अभी स्नेहा डांस करने वाली है। मोमो खिला रहे हो? चलो। पक्का खिला रहे हो? हाँ, पैसे है क्या? पक्का खिला रहे हो? झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं बोल रही हूं, चलो। जो खिला रही हो यार गाइस, तो क्या करे, खाए क्या? पक्का खिला रहे हो? अगर पैसे पैसे नहीं है तो रहने दो। सो गाइस आज स्नेहा हमें मोमो खिलाने वाली है फर्स्ट बार। बाद में कहीं हमें पेमेंट करना ना पड़े, पार्किंग के लिए जगह ही नहीं है यहाँ तो। और गाइस आप देख ही सकते हो ये लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं खाने के लिए, तो हम भी बैठते हैं। और आज फर्स्ट बार ही खिला रही है भाई, आज कैसे खिला दे रहे हो, मतलब इसका कुछ कारण है? सो गाइस फाइनली हमारे मोमोज आ चुके हैं जैसे कि आप ये देख ही सकते हो, तो अब खाते हैं फिर मिलते हैं आपको सीधे। सो गाइस आज स्नेहा कंजूस ने तो फाइनली हमें मोमोज खिला लिया है ना, कंजूसी है भाई वो, सही बात है। राजा होटल के जस्ट नीचे पे ना एक टिकिया वाले भाई साहब हैं, मतलब वो पानी पूरी भी बेचते हैं और टिकिया भी बेचते हैं, भाई क्या ही बनाते हैं यार, है ना, एकदम मस्त। तो चलते हैं फटाफट वहाँ पे और खाते हैं और आपको भी दिखाएंगे कि यार वो भैया कैसे बनाते हैं। अगर सो गाइस अभी हमें जाने यहाँ से आगे, भूख तो लग रही है आज वाइसी भाई, बता नहीं क्या क्या खिला रहे हो, मैं क्या क्या खिला रहे हो भाई? सो गाइस जस्ट हम पहुँच गए भैया के शॉप पे, अब जाते हैं बड़े करके टिकिया खाते हैं और आपको बताएंगे कि कैसे करके बनाते हैं करके। वह जा रहे हो आप? जा रहे हो? सो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं अंकल के शॉप पे और आप बढ़िया करके टिकिया देख रहे हो, अंकल बना रहे हैं खाते हैं, है ना। बाकी आप देख ही रहोगे कैसे बना रहे हैं, ये आलू है, ये आलू है ना अंकल। और आपको पता ही होगा कि हम डेली आते रहते हैं खाने के लिए, क्यों, और यहाँ पे बहुत ही फेमस टिकिया बनाते हैं और पानी पूरी भी बेचते हैं भैया लोग, तो यार आप भी आ सकते हो अगर आप पिथौरागढ़ में रहते हो, हम तो डेली आते हैं कि वाई सी वो आते हैं ना डेली, और आपको ही पता होगा, है ना। फाइनली हमारे टिकिया आ चुके हैं देख ही सकते हो, अब इसे खाते हैं बढ़िया करके फिर मिलते हैं आपसे। कैसी है? सो गाइस फाइनली हमने टिकिया तो खा लिया, अब हमारा प्लान बन रहा है कि यार हम खाने वाले हैं गोलगप्पे, है ना, तो चलते हैं सीधे गोलगप्पे खाते हैं। अरे तो गाइस फाइनली हमने पानी पूरी और टिकिया तो खा लिया है, अब निकलते हैं ये ब्लॉग। हाँ भैया, तो यार यहाँ पे मुझे कुछ भाई लोग मिल गए थे, ये तो बहुत ही अच्छे हैं, कब डालोगे ये वीडियो? आज शाम को ही आ जाएगी। और भैया लोग कह रहे हैं कि यार आगे शादी है तो बड़े करके वहाँ खाना आना खा के आओ और डांस वांस करके आओ, तो हमारा प्लान ही बन ही रहा था, लेकिन यार जस्ट अभी हम खा के आए ना, नहीं तो सीधे हम वही जाने वाले थे। सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शौक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवा